हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सीपीटी का जो कि आपका कंबाइंड पार्ट टेस्ट है वो डिस्कशन करेंगे जूलॉजी का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स है और हम 100% श्योर अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप अच्छे से कर पाओगे। ये सेल्फ असेसमेंट एग्जाम है ए एन टी एस में, लेकिन जो मार्क्स आता है आपका शुरुआती में, इतना अभी घबराना नहीं, आराम से आप क्वेश्चंस देखते रहो क्योंकि हमारे ए एन टी एस से बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस भी आते हैं नीट में। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 151। मार्क द करेक्ट सेट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन सिस्टमिक वेन्स। सिस्टमिक वेन्स मतलब वेन में क्या होना चाहिए, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कम होना चाहिए, लेकिन कैपिलरी नेटवर्क के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है। तो लिटिल बिट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मूव टुवर्ड्स द आर्टरी एंड लिटिल बिट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मूव टुवर्ड्स द वेन। तो उसी चीज़ को अगर तुम देखोगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वेन्स में कितने हैं, इज अराउंड 40 और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 है, जो आपको 272 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस 272 पेज में एक टेबल है, देखना एकदम नीचे की तरफ, उसमें मिलेगा और 273 के डायग्राम में भी है। ओके, तो आपको डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब सिस्टमिक वेन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है सिस्टमिक आर्टरीज, टिश्यू कैपिलरीज का है, टिश्यू का दिया हुआ है और इधर एटमोस्फेरिक एयर का है, एल्वियोली का है, इतना आपको सीख के रखना पड़ेगा। तो इसमें आंसर मार्क किया हुआ है डी, दैट इज येलो कलर का जो है, ये आपका आंसर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 एनिमल टिश्यू से पूछा गया है, पेज नंबर 105 से। इसमें आप देखो, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्मूथ मसल। मसल फाइबर्स में नॉर्मली आपको पता है कि कुछ स्केलेटल है, कार्डियक है, स्मूथ है। तो स्मूथ में यूनिन्यूक्लिएट है, स्केलेटल मल्टीन्यूक्लिएट है और कार्डियक भी ह्यूमन वाला यूनिन्यूक्लिएट होता है। तो टेपर्ड एट बोथ एंड्स, ये करेक्ट है। प्रेजेंट इन द इंटरनल होलो ऑर्गन्स, इंटरनल होलो ऑर्गन्स का मतलब वो ऑर्गन्स लाइक इंटेस्टाइन, स्टोमक, यूटरस, यूरिनरी ब्लैडर, हर जगह पे तुम देखना स्मूथ मसल्स होते हैं, तो ये करेक्ट है। द बियर अ सेंट्रल सिंगल न्यूक्लियर, दैट इज यूनिन्यूक्लिएट, ये भी करेक्ट है, यूनिन्यूक्लिएट। रह गया आपका, दिस फाइबर्स आर सिलिंड्रिकल इन शेप। सिलिंड्रिकल इन शेप किसका फीचर है, स्केलेटल का एंड कार्डिक का। इन दैट बेसिस अगर तुम देखोगे आंसर डी है, क्योंकि आपको उन्होंने क्या पूछा, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्मूथ मसल फाइबर। क्लियर, तो टेपर्ड एट बोथ एंड्स होगा, यूनिन्यूक्लिएट है, स्ट्राइएशंस इसमें एब्सेंट है, इंटरनल होलो ऑर्गन्स में रहता है, इसलिए इसे विसरल स्मूथ, जब विसरल ऑर्गन्स में रहता है इसलिए इसे विसरल मसल्स भी बोलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 152 एनिमल टिश्यू पेज नंबर 105 से कनेक्टेड था, एसोसिएटेड था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 ये आपको डाइजेशन एब्जॉर्प्शन से पूछा गया है। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स है उस चैप्टर का, इसी में से आपको फॉल्स और ट्रू निकालना है। तो फर्स्ट इसमें लिखा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इज कैरीड आउट बाय लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सब म्यूकोसा। फर्स्ट है तो सब म्यूकोसा नहीं होगा, इसमें होगा एक्चुअली म्यूकोसा। अगर म्यूकोसा लिखा होता तो करेक्ट है, बिकॉज आपको पता है कि म्यूकोसल ग्लैंड्स आर मोर कॉमन। जो हमारा ट्रांजेक्शन करोगे तो सेरोसा मिलता है, फिर आपको मिलेगा मस्कुलरिस एक्सटर्ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा, दिस इज टूवर्ड्स द ल्यूमन। तो म्यूकोसल ग्लैंड्स आर मोर कॉमन, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हो, कुछ भी हार्मोन्स के सिक्रीशंस हो, हार्मोन रिलेटेड या तो एंजाइम्स रिलेटेड सिक्रीशन म्यूकोसल एरिया से होता है। एक सब म्यूकोसल ग्लैंड है जो ड्यूडेनम में है, दैट इज ब्रूनर्स ग्लैंड। इसीलिए यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है सब म्यूकोसा, दिस इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पे इसलिए फॉल्स लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ। तो ये करेक्ट है, यहाँ पे ब्लड और लिम्फ दोनों होगा, जो म्यूकोसल एरिया से जब भी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सिंपल फैटी एसिड, गैलेक्टोज कुछ भी पास होता है वो ब्लड में आता है, और एनीथिंग लाइक योर काइलोमाइक्रोन्स, दैट इज काइलोमाइक्रोन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड कोटेड विद प्रोटीन, तब वो लैक्टियल में आता है, लैक्टियल इज अ लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स, तो इसलिए लिम्फ होगा। तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसलिए यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है। नेक्स्ट, द इजेशन ऑफ फीसेस इन द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग, दैट इज डेफिकेशन, इज अ इनवॉलंटरी प्रोसेस कैरीड अबाउट बाय मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये इनवॉलंटरी प्रोसेस नहीं है, ये वॉलेंट्री प्रोसेस है, बिकॉज डेफिकेशन इज अ वॉलेंट्री प्रोसेस, मिक्चुरेशन इज अ वॉलेंट्री प्रोसेस। ओके, यहाँ पे इनवॉलेंट्री लिखा है, इसलिए यहाँ पे ये गलत होगा। एक चीज और याद रखना, आप जब भी आपको पूछेंगे पेरिस्टेसिस किस एरिया में लिस्ट होता है, रेक्टम होगा, क्योंकि रेक्टम में पीरियडिक कंट्रैक्शन होता है, इट्स नॉट कंटिन्यूस कंट्रैक्शन नहीं होता। ओके, नेक्स्ट आप देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ, इसलिए यहाँ पे फॉल्स है, हाँ, इसके रेफरेंस में। नेक्स्ट में नंबर 4 स्टेटमेंट देखते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल लाइक माउथ, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तब इसमें फोर्थ जो है, फोर्थ नंबर स्टेटमेंट, ये करेक्ट है, क्योंकि आपका एब्जॉर्प्शन जो भी होता है हर जगह से ही होता है। इट्स रिटन इन पेज नंबर 265, जिसमें एक टेबल भी बना है। ओके, टेबल 16.1 था शायद, वो आप टेबल पढ़ लेना, उससे स्टोमक वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 154।
क्वेश्चन नंबर 154 आपको एनिमल किंगडम से पूछा गया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बताना था, इसमें आंसर ए है। सपोज इन क्लास एम्फीबिया टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, टिम्पेनम क्या है, टिम्पेनम पार्ट ऑफ ईयर है बट नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर। अगर यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर लिखा रहता तो ये गलत होता। एक्सटर्नल ईयर का मतलब होता है ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना स्टार्ट होता है किससे, मैमल्स से, वो भी स्टार्ट होता है फ्रॉम मेटाथेरिया कंगारू वाले ग्रुप से, उसके बाद सब मैमल्स में नॉर्मली रहते हैं। उससे पहले अगर तुम देखोगे एम्फीबिया में या तो रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, किसी में भी एक्सटर्नल ईयर नहीं है, और प्रोटोथेरिया दैट इज एग लेइंग मैमल ऑर्निथोरिंकस उसमें भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट इसीलिए करेक्ट है बिकॉज टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर बट नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर। ओके, रिप्रेजेंट द ईयर, पहले मतलब ऐसे क्वेश्चन हमने डाले थे एनिमल किंगडम में जिसमें पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर लिखाया था, तो इसीलिए वो कंफ्यूज हुए थे। ये जो स्टेटमेंट अगर ऐसा है कि टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर तब करेक्ट है। इन फाइलम एनिलिडा द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेटिकुला। रेटिकुला वर्ड पेज नंबर आपको 53 में मिल जाएगा, वो भी मोलस्का में होता है। दिस इज अ फाइल लाइक रस्पिंग ऑर्गन इन मोलस्का, इट्स नॉट इन एनिलिडा, तो ये गलत है। ओके, एक्सोस्केलेटन ऑफ एकाइनोडर्मेटा इज मेड अप ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स, ऑसिकल्स का मतलब होता है स्मॉल बोन्स। तो इन दैट रेफरेंस अगर देखेंगे ये एंडोस्केलेटन है, क्योंकि स्टारफिश में ये तो एकाइनोडर्मेटा में एंडोस्केलेटन बना है, बोनी एंडोस्केलेटन, इट्स नॉट एक्सोस्केलेटन। ओके, तो ये गलत है, यहाँ पे एंडोस्केलेटन होना था। नेक्स्ट, हेमिकॉर्डेटा इज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा इनवर्टिब्रेटा में आता है, फाइलम कॉर्डेटा में स्टार्ट होता है फ्रॉम प्रोटोकॉर्डेट्स दैट इज ट्यूनिकेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफालोकॉर्डेटा। तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे कॉर्डेटा लिखा हुआ है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दिस क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 एनिमल मॉर्फोलॉजी से है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, मॉर्फोलॉजी अगर लिखा हुआ है इंटरनल मॉर्फोलॉजी का मतलब ही एनाटॉमी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि उन्होंने एनाटॉमी पार्ट क्यों मेंशन नहीं किया। ओके, तो ये क्वेश्चन भी इस तरह से ही है, द मेल एंड फीमेल कॉकरोचेस कैन बी डिस्टिंग्यूस्ड एनाटॉमिकली बाय देयर। तुम देखो एनल्सर्स इन एब्डोमिनल रीजन इज कॉमन फॉर बोथ, मेल में भी है फीमेल में भी है एनल्सर्सी, जो कि 10th टर्जम से निकलता है। ओके, पेज नंबर 111 में एनल्सर्सी का डायग्राम भी है। प्रेजेंस ऑफ स्क्लेराइड्स, स्क्लेराइड्स आपको पता है एक्सोस्केलेटल प्लेट है, काइटिनस एक्सोस्केलेटल प्लेट, वो भी मेल में भी है फीमेल में भी है, तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं आ रहा, दिस इज कॉमन फीचर। ये दोनों किस कैटेगरी में गिर जा रहा है, कॉमन फीचर में गिर जा रहा है। ओके, रह गया तुम्हारा एनल स्टाइल, ये होता है मेल में, और मशरूम ग्लैंड में होता है मेल में, बट दिस फीचर इज व्हाट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, मतलब ये एक्सटर्नल फीचर है, एक्सटर्नल फीचर। तो एक्सटर्नल फीचर तो एनाटॉमी नहीं है, एनाटॉमी तो इंटरनल फीचर है, इसीलिए आंसर मशरूम ग्लैंड होगा, बिकॉज मशरूम ग्लैंड मेल कॉकरोच में है। पेज नंबर 115 में जाके फर्स्ट डायग्राम देखो, मेल कॉकरोच में एक फ्लावर लाइक कुछ बना हुआ है व्हाइट कलर का, उसमें स्मॉल टिबल और शॉर्ट टिबल्स लिखा हुआ है, लॉन्ग टिबल्स लिखा है। तो स्मॉल टिबल लॉन्ग टिबल्स इज अ कम्बिनेशन टू फॉर्म मशरूम ग्लैंड, जो उसमें एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है जो गैमेट फॉर्म नहीं करता लेकिन स्पर्म बॉल बनाने में सपोर्ट करता है, स्पर्मेटोफोर, स्पर्म बॉल। और सेगमेंट नंबर है 6-7 जो कि मेल में है फीमेल में नहीं है, दिस इज एनाटॉमिकल फीचर ऑफ मेल एंड फीमेल। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 बायोमोलिकल से दिया गया है। इसमें आप देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी इन लिविंग सिस्टम इज द बॉन्ड एनर्जी इन अ केमिकल कॉल्ड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इस क्वेश्चन में आपको एटीपी का फीचर बोलने बोला, तो अगर आप फीचर्स देखोगे कि पेज नंबर 153 में आपको मिल जाएगा, इन्वॉल्व इन बायोसिंथेटिक वर्क, ऑस्मोटिक वर्क, मैकेनिकल वर्क। पहले हम आंसर ये क्यों है ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि 153 में ये लाइन लिखा है ऑस्मोटिक वर्क का मतलब होता है टिबुलरी एब्जॉर्प्शन, बिकॉज दिस एटीपी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स बैक टू द ब्लड और इन टू द ब्लड। सो इन दैट बेसिस दे आर मेंटेनिंग द ब्लड सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। तो कहीं कहीं पे एटीपी चाहिए, जैसे कि सोडियम ग्लूकोज अमीनो एसिड बैक आता है, या तो हम एब्जॉर्ब भी करते हैं रीअब्जॉर्ब भी करते हैं, इन दैट रेफरेंस एटीपी इज इन्वॉल्वड इन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, ये होगा। अगर तुम्हें पूछेंगे बायोसिंथेटिक, बायोसिंथेटिक मतलब केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल और इनसाइड द बॉडी, तब देखो ये यूरिया साइकिल लीवर में हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रहा है सेल में, फिर ये दिस वन क्रैब्स साइकिल हो रहा है, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है, कोरीज साइकिल जो जिसमें एटीपी का यूज होता है, तो देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड टू बी एज बायोसिंथेटिक वर्क। मैकेनिकल वर्क क्यों कहा है, बिकॉज आप देखो स्केलेटल मसल का मूवमेंट और एनी काइंड ऑफ मूवमेंट के लिए भी हमें मसल कंट्रैक्शन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, दोनों के लिए हमें एटीपी चाहिए। ओके, इन दैट रेफरेंस इसमें आंसर ए है। तो बी क्यों गलत है, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड, आप पकड़ ही लिए होंगे, न्यूक्लियोसाइड तो नहीं है इसमें, इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, तो ये
न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए था, इसलिए गलत हो गया। एनर्जी इज डिराइव फ्रॉम ब्रेकिंग द एडेनाइन। एडेनाइन से हम एनर्जी डिराइव नहीं करते, हम एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करते हैं, एडीपी को एएमपी में कन्वर्ट करते हैं। एएमपी से जनरली हम तोड़ते नहीं उसे, किसी को रिसाइकल करना मुश्किल है। फिर हम इसमें किससे एनर्जी डिराइव कर रहे हैं, हम डिराइव कर रहे हैं एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एडेनाइन हम ब्रेक नहीं करते। ओके, नेक्स्ट आप देखो, इट एक्ट एज अ प्रोस्थेटिक मॉलिक्यूल फॉर कैटलेज एंजाइम। ये पेज नंबर 159 में दिया है। कैटलेज और पेरोक्सीडेज जो एंजाइम है उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप हेम है, विच इज रिटन इन पेज नंबर 159 सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। ओके, एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी हो जाएगा। अब जो भी मैं पेज नंबर्स बोल रही हूँ आपके भले के लिए बोल रही हूँ, आप प्लीज उसको निकालोगे, देख लोगे, जिससे ये क्वेश्चन का भी हो जाएगा और एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप सीख लोगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157 भी स्टेटमेंट्स लिया गया है बायोमोलिकल चैप्टर से। इसमें देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। द ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल इज 4.2 टू 6.1 मिली मोल लीटर इनवर्स। देखा गया जो ग्लूकोज का थ्रेशोल्ड लिमिट है वो इतना है। ओके, पुराने बुक में 4.5 टू 5 था, नए बुक में इन्होंने 153 पेज में 4.2 टू 6.1 किया है। अब थोड़ा सा नया एडिशन वाला है, हमें फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ए है, मतलब इन द सेंस दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी, एंड डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि इसमें आपको नॉट करेक्ट पूछा। लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है कंटिन्यूअसली वर्क करता है ऑर्गन, जिससे कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में फॉल ना हो। इक्विलिब्रियम में फॉल होने का मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रुक जाना। ओके, स्टेडी एंड नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है, दैट मींस दिस ऑप्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट। ये जो नंबर बी है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन आंसर ये नहीं है। नंबर सी, अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप, दिस इज सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस। दिस इज रिटन इन 143 लास्ट पैराग्राफ। आपको पता अल्फा कार्बन के बारे में, ठीक है, इन दैट वे जो कार्बन के आसपास क्या रहता है, CH, इधर तुम्हारा COH है, NH3 है, H है, अल्काइल ग्रुप है, इन दैट बेसिस अल्फा कार्बन एक्सप्लेन करते हैं। GLUT4, ये पेज नंबर 147 में टेबल में ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से ये वर्ड आया, GLUT4। एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो इंसुलिन के अगेंस्ट में, मतलब इंसुलिन जो है उसको सपोर्ट करता है इन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, जो हमारे एडिपोसाइट्स के अंदर, कार्डिक मसल्स के अंदर, ब्रेन सेल्स के अंदर रहता है, लीवर में नहीं रहता। किसमें रहता है? एडिपोसाइट्स में, कार्डिक मसल्स में और ब्रेन सेल्स में, जो इंसुलिन को सपोर्ट करता है इन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है GLUT4 इज अ हार्मोन, तो ये हार्मोन तो है नहीं, ये क्या है? GLUT4 इज अ प्रोटीन जो सपोर्ट करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन सर्टेन सेल। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158 फिर कॉकरोच से ही है, एनिमल मॉर्फोलॉजी। मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फीमेल कॉकरोच। द एब्डोमेन इन फीमेल्स कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट्स। तो 10 सेगमेंट्स है, मेल हो या फीमेल हो, अगर मेल फीमेल को रख के तुम उसके डॉर्सल साइड से विंग्स निकाल दोगे, फिर उसमें 10 सेगमेंट मेल में भी है, फीमेल भी है। दिस इज कॉमन फीचर ऑफ मेल एंड फीमेल। 7 स्टर्नम इज बोथ शेप्ड। ये पेज नंबर 112 के लास्ट पैराग्राफ में है। जो फीमेल है उसके स्टर्नम का जो 7 सेगमेंट है ये इस तरह से दिखता है, बोथ शेप्ड। ओके, इसलिए से बोथ शेप्ड बोलते हैं, तो ये भी करेक्ट है। दिस इज फॉर फीमेल, दिस इज फॉर मेल, फीमेल बोथ। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लार्ज टू लार्ज ओवरीज लाइंग लेटरल इन द 2 to 4। सो इन दैट रेफरेंस यहाँ पे ये सेगमेंट गलत था, इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आंसर आपको सी ही मार्क करना था, बिकॉज उन्होंने आपको पूछा है मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फीमेल कॉकरोच। अ पेयर ऑफ स्वामेथिका इज प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट विच ओपन्स इन द जेनाइटल चैम्बर। जेनाइटल चैम्बर आपको 115 के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कॉकरोच का उसमें दिख जाएगा, और ये 6th सेगमेंट में ही होता है। और स्वामेथिका इज द एरिया जहाँ पे फीमेल कॉकरोच स्पर्म स्टोर करता है। ओके, डायग्राम से एक बार मिला 114 में ऑलमोस्ट नीचे की तरफ ये पोर्शन लिखा हुआ है। ओके, तो आंसर आपको मार्क करना था इसमें सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 159 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 159 बहुत सिंपल क्वेश्चन है एनिमल टिश्यू से। मास सेल किसका पार्ट है? मास सेल एरियोलर टिश्यू का पार्ट है, जो आपके पेज नंबर 103 में है। 103 में आप जाके देखो, उसमें मास सेल है, मैक्रोफेज है, फाइब्रोब्लास्ट है, प्लाज्मा सेल्स है, सम सॉर्ट ऑफ WBCs, ऑल आर ऑल टुगेदरली हेल्प्स इन पैकेजिंग ऑफ ऑर्गन्स एंड कनेक्ट स्किन टू मसल। तो एरियोलर टिश्यू हमारा एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, तो इसमें आंसर आपको मार्क करना था एरियोलर टिश्यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 160।
क्वेश्चन नंबर 160 थोड़ा मिक्स्ड क्वेश्चन है, बाय कंबाइनिंग द एनिमल टिश्यू एंड डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। फुल टेस्ट में सीपीटी में थोड़ा मिक्स क्वेश्चन हम डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स में लिंक्ड कुछ पॉइंट्स हैं, पैराग्राफ्स हैं। ओके, इसमें देखो, पेरिस्टेसिस एंड चार्निंग मूवमेंट्स एंड गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट परफॉर्म बाय। पेरिस्टेसिस एक पीरियडिक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन से होता है एसोफेगस और इंटेस्टाइन में, और लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल, जो कि स्मूथ मसल के लिए है। चार्निंग मूवमेंट होता है स्टोमक में, जो कि स्मूथ मसल के लिए है। इसमें कुछ फीचर्स लिखा है, इसमें आपको ढूंढना था कि स्मूथ मसल्स का फीचर कौन सा है। मसल्स विद इंटरकैलेटेड डिस्क इज अ फीचर ऑफ कार्डियक मसल, ओके, तो ये नहीं होगा आंसर। मसल्स विद टैपर्ड एंड इज अ फीचर ऑफ स्मूथ मसल, तो यही आंसर आपका है, फाइन, क्योंकि इसमें स्मूथ मसल्स का फीचर है। मसल्स विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दिस इज अ फीचर ऑफ स्केलेटल मसल, इसलिए आंसर नहीं होगा। एंड मसल्स विद स्ट्राइटेड अपीयरेंस इज अ फीचर ऑफ कार्डियक एज वेल एज स्केलेटल, ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन है विद द रेफरेंस टू द फीचर्स ऑफ स्मूथ मसल बी, बिकॉज टैपर्ड एंड वाला जो फीचर है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर स्मूथ मसल। अब हम क्वेश्चन नंबर 161 देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 161 देख के आप डर मत जाना कि एनसीईआरटी से नहीं है, इट्स मेंशन इन एनसीईआरटी। जो कुछ साइंटिस्ट के फोटो रहते हैं, जो कि हर चैप्टर के पहले कुछ इंट्रोडक्शन रहता है, अ फेमस पर्सन, उसमें से एक क्वेश्चन नीट 2019 में भी आया था, इसलिए हम इसको स्किप नहीं कर सकते। ओके, वहाँ भी आप थोड़ा थोड़ा, ऐसे बात नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, बट एक्चुअली थोड़ा सा रीडिंग करके रखना सेफ साइड रहता है। तो इसमें से एक क्वेश्चन है, दिस वन इज, जी एन रामाचंद्रन, आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, वॉज द फाउंडर ऑफ द मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स। इन्होंने डिस्कवर किया था ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। उससे पहले अल्फा और बीटा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ये डिस्कवर किया था लिनस पॉलिंग ने, और लिनस पॉलिंग से वो इन्फ्लुएंस होके उन्होंने काम किया, जी एन रामाचंद्र, जो कि इंडियन साइंटिस्ट है। ओके, तो इसमें आपको ये मार्क करना था ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। तो 161 के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दिस क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162 आपको बायोमोलिकल से पूछा गया है, फ्रॉम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एंड इसमें मिक्सचर भी है थोड़ा सा, सम सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, फिर यहाँ पे ग्लूट फोर का प्रोटीन का, बट इट्स प्योरली फ्रॉम बायोमोलिकल। आइडेंटिफाई द ऑप्शन वेयर ऑल द कॉलम्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इन दैट बेसिस अगर देखो, ग्लूट फोर प्रोटीन है करेक्ट, ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन है, लेसिथिन पेज नंबर 145 में डायग्राम भी है जिसमें कोलिन रहता है, फॉस्फोलिपिड है जो सेल मेम्ब्रेन में रहता है, इन्फॉर्मेशन 144-145 में है, ग्लूट फोर का 147 में है। थाइमीडाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड है, बिकॉज आपको पता है कि उसमें थाइमीन है, और डाइलिक एसिड में उसमें फॉस्फोरिक एसिड है, तो ऑटोमेटिकली ये न्यूक्लियोटाइड है और ये डीएनए में रहता है, बिकॉज थाइमीन डीएनए में है और यूरासिल आरएनए में है। रह गया आपका एब्रिन, एब्रिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, बट इज टॉक्सिन, रिसिन एब्रिन, रिसिन और एब्रिन एक साथ लिखा है, 146 का टेबल आपको याद करना है, ये ड्रग नहीं है। ओके, यहाँ पे ड्रग गलत है, यहाँ पे अगर टॉक्सिन लिखा होता तो ये करेक्ट होता, तो आपको यहाँ पे चूज करना था नॉट करेक्टली मैच, तो इसलिए आंसर ए है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, दिस क्वेश्चन नंबर 163। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा है एनिमल किंगडम से, पेज नंबर 53 से लिंक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल आर्थ्रोपोड्स। काइटिनस एक्सोस्केलेटन सब में होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन सब आर्थ्रोपोड्स में है, और जॉइंटेड अपेंडेज भी सब में है। स्टेटोसिस्ट ओनली प्रेजेंट इन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, ये किसका फीचर है, एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं। ओके, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। ओके, इसलिए यहाँ पे सबका नहीं होगा ये पॉइंट, क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दिस क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से है। इसमें आप देखो, बाइल जूस द सीरो डाइजेस्टिव जूस दैट पार्टिसिपेट इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज सिक्रीटेड एंड कंसंट्रेटेड बाय। व्हाई बाइल जूस इज कंसिडर्ड टू बी सीरो डाइजेस्टिव जूस, बिकॉज ये डायरेक्ट एंजाइम के तरह रोल प्ले नहीं करता, ये सिर्फ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, विच नॉर्मली एड या नॉर्मली सपोर्ट द फंक्शन ऑफ लाइपेस। मेनली लाइपेस में, पैनक्रेटिक लाइपेस से हमारा फैट डाइजेशन ज्यादा करता है इन कंपेयर टू इंटेस्टाइनल लाइपेस और गैस्ट्रिक लाइपेस। तो इसमें आपका आंसर होना था हेपेटिक सेल्स एंड गोल ब्लैडर, बिकॉज हेपेटिक सेल्स सिक्रीट करता है बाइल जूस, ठीक है, बाइल बनाता है, और गोल ब्लैडर जो होता है वो उसे कंसंट्रेट करता है। तो इसे आंसर था हेपेटिक सेल्स एंड गोल ब्लैडर। एक चीज और आपको, एक चीज याद रखना है कि हेपेटिक लोब्यूल्स इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, जो कि हेपेटिक सेल्स से ही बना हुआ है। ओके, लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन है हेपेटिक सेल्स, जो कि पेज नंबर 260 के लास्ट में या 261 के फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। उस बेसिस पे हेपेटिक सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइल जूस सिक्रीशन प्रोडक्शन, एंड गोल ब्लैडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट करता है उस चीज को। जब भी हॉर्मोन सिक्रीट होता है सीसीके फ्रॉम ड्यूडेनम, सीसीके इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ गोल ब्लैडर, एंड उसी से तुम्हारा जो बाइल जूस है टुवर्ड्स कॉमन बाइल डक्ट से होके हेपेटोपैनक्रेटिक डक्ट से होके ड्यूडेनम में आता है फॉर फैट डाइजेशन।
प्रोसेस, ओके, जो कि इमल्सिफिकेशन को सपोर्ट करता है. क्लियर? तो इसे डायरेक्ट एंजाइम हम नहीं बोल सकते. ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 165. क्वेश्चन नंबर 165 आपको एनिमल किंगडम से पूछा गया है. द क्लास रेप्टिलिया इज सो नेम्ड बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग टाइप्स ऑफ लोकोमोशन. क्रीपिंग जैसे स्नेक, क्रॉलिंग जैसे लिजर्स. सो इन दैट बेसिस अगर पूछेंगे उसका नाम क्यों पड़ा रेप्टिलिया, इज बिकॉज ऑफ दिस लोकोमोशन पैटर्न इन दैम. ओके, तो इसलिए आपको मार्क करना था बी. ये बी करेक्ट है. इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन जो पॉइंट है ये किसमें है? ये थ्री चेंबर्ड हार्ट स्पेसिस में होता है, जो सर्कुलेशन चैप्टर में मेंशन है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. ओके, बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन. ये भी आपके 53 पेज में दिया हुआ है. कॉर्निफाइड स्किन इज अ यूनिक फीचर ऑफ रेप्टाइल्स. नेक्स्ट है टेरिस्ट्रियल अडेप्टेशन. दिस फर्स्ट टेरिस्ट्रियल अडेप्टेशन स्टार्टेड इन रेप्टाइल्स, क्योंकि उन्होंने एग देना शुरू किया, क्लियोडिक एग. सो इन दैट रेफरेंस बेस्ट आंसर, क्योंकि रेप्टिलिया वर्ड कहां से आया, बेस्ट आंसर इज क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोशन पैटर्न. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 166. क्वेश्चन नंबर 166 भी आपको एनिमल टिश्यू से पूछा है कि आइडेंटिफाई द फेगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट इन द एरियोलर टिश्यू. एरियोलर टिश्यू में फेगोसाइटिक सेल्स क्या है? मैक्रोफेजेस. बिकॉज मैक्रोफेज आर द कैपेबिलिटी ऑफ ईटिंग द जर्म्स. वो खुद जर्म्स को लेते हैं, उसको खाते हैं, चबाते हैं, देन दे रिप्रेजेंट टू ऑल. ये चीज और क्लियर होगा आपका ह्यूमन हेल्थ डिजीज में, इसलिए बेस्ट आंसर इसमें मार्क करना था मैक्रोफेजेस. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 167. क्वेश्चन नंबर 167 आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से पूछा है. दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. 275 पेज नंबर से. कंसीडर द कैरेक्टर्स ऑफ अ रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सेंटर इन ह्यूमंस. इट इज लोकेटेड इन बोन्स, फर्स्ट पॉइंट. इट मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. अ न्यूरल सिग्नल फॉर दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देयर अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट. ये फीचर किसका है? ये फीचर है न्यूमोटेक्सिक सेंटर का, जो कि पोन्स में होता है. न्यूमोटेक्सिक सेंटर में नॉर्मली कैसे वर्क है, इसको बोलते हैं हेरिंग ब्र्यूरल रिफ्लेक्स. ये वर्ड या स्टेटमेंट कभी पूछा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ही वही है, हेरिंग ब्र्यूरल रिफ्लेक्स. इसमें एक्चुअली क्या होता है, जब भी हमारा एल्वियोली इन्फ्लेट होता है अप टू ए पर्टिकुलर लिमिट, उसके बाद उसके सर्फेस में मैकेनोरिसेप्टर्स होते हैं एल्वियोली में. वो रिसेप्टर स्ट्रेच होता है और स्ट्रेच होने से फट जाएगा लंग्स, तब जाके वेगस को बताया जाता है. वेगस एक क्रेनियल नर्व है जो हमारे सिस्टम में फैला हुआ है पूरा, और वो जाके मेडुला ऑब्लोंगेटा पोन्स को इन्फॉर्म करता है. तो जैसे ही वेगस नर्व ने जाके पोन्स के न्यूमोटेक्सिक सेंटर को इन्फॉर्म किया कि लंग्स को जितना इन्फ्लेट होना था उतना इन्फ्लेट हो चुका है, वो इससे ज़्यादा हुआ तो हाइपर वेंटिलेशन से लंग्स कलैप्स हो सकता है, तब न्यूमोटेक्सिक सेंटर विद द हेल्प ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा इंस्ट्रक्शंस लेके फिर उसे रेगुलेट करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा कि अभी इनहेलेशन के ड्यूरेशन को रिड्यूस करना है और एक्सहेलेशन को स्टार्ट करना है, सो दैट ज़्यादा इनहेलेशन से लंग्स कलैप्स ना हो. ओके, ये लिंक है इसमें. तो याद रखना, न्यूमोटेक्सिक सेंटर रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन एंड स्टार्ट एक्सहेलेशन, अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, आपके 275 में लिखा हुआ है. तो ये ब्रीदिंग एक्सचेंज का था. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 168. क्वेश्चन नंबर 168 भी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से ही है, क्योंकि कुछ ही चैप्टर आपके उस कंबाइंड पार्ट टेस्ट में है. तो इसमें आप देखो रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है? फ्रॉम एल्वियोली डक्ट, एल्वियोली डक्ट टू एल्वियोली. सो इसमें एक्चुअली में जब कंडक्टिंग सिस्टम आता है, यहाँ पे अगर तुम देखोगे ये है इनिशियल टर्मिनल ब्रोंकियोल. दिस इज टर्मिनल ब्रोंकियोल एंड दिस पार्ट इज व्हाट? एल्वियोलर डक्ट. और ये है एल्वियोली. ये दो रीजन से हमारा डिफ्यूजन ऑफ गैस होता है. ओके, CO2 का एक्सचेंज होना, CO2 का आना या ऑक्सीजन का निकलना, जो भी हो, इस दो एरिया से होता है. दिस एल्वियोलर डक्ट इज टर्म्ड एज एट्रिया. क्या बोलते हैं उसे? एट्रिया. इतना तो नहीं पूछेंगे, बट 270 के उसमें आपको मिल जाएगा द फर्स्ट पैराग्राफ में द रोल ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम और एक्सचेंज जोन में एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोली. ओके, तो ये क्वेश्चन में आपको मार्क करना था स्टार्ट फ्रॉम एल्वियोलर डक्ट टू एल्वियोली. टर्मिनल ब्रोंकियोस से भी नहीं होगा, स्टार्ट फ्रॉम ब्रोंकियोस से तो होगा ही नहीं. इट्स फ्रॉम द एल्वियोलर जोन ओनली लिखा है, इसलिए नहीं है, बिकॉज एल्वियोलर डक्ट से भी होता है. ओके, द बेस्ट आंसर इज बी. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 169. क्वेश्चन नंबर 169 भी आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस से ही पूछा गया है, और ये 273 में है. इसमें आप देखो नॉर्मली जब एल्वियोली से लेके अगर तुम देखोगे, एल्वियोली है ये, और इसके आसपास पल्मोनरी कैपिलरी है, तो इसमें तीन एरिया उसे क्रॉस करना पड़ता है. मान लो कि ऑक्सीजन को, फर्स्ट एरिया दिस, सेकंड दिस, दिस इज बेसमेंट सब्सटेंस एंड देन आफ्टर दिस एंडोथेलियम. तो दिस थ्री एरिया का जो थिकनेस है, दिस इज लेस देन अ मिलीमीटर. ओके, दिस इज द बेस्ट आंसर, बिकॉज एल्वियोलर एपिथेलियम के बाद बेसमेंट सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, आफ्टर दैट पल्मोनरी कैपिलरी का एंडोथेलियम, दैट इज स्क्वामश. उस तीन लेयर को क्रॉस करने का जो गैप है या तो उसका थिकनेस है, इट इज लेस देन अ मिलीमीटर. बाकी आपका ऑप्शन वेरी करके चेंज करके दिया गया था, आपको मार्क करना था ये. ओके, 273 देख लेना, डायग्राम के साइड में, एल्वियोलर के डायग्राम के साइड में है. अब हम क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं.
क्वेश्चन नंबर 170 बायोमोलिकल्स के अराउंड पेज नंबर आपको उसमें मिल जाएगा, 155 में समवेयर इट इज़ गिवन. ओके, तो आप देखना वहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक ऐसा एंजाइम है जो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम कंसिडर किया जाता है और जिसका मेन मोटिव है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन 70% कराना इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, जो कि आरबीसी में रहता है मेनली प्रोमिनेंटली. प्लाज्मा में डिफ्यूज होकर तो मिलेगा ही, लेकिन द मेन रोल ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज इनसाइड द आरबीसी. अगर ये नहीं होता, बहुत स्लोली हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन होता, इज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एंजाइम. ये H2CO3 मॉलिक्यूल्स को जो एवरी सेकेंड्स बनाते हैं अराउंड दिस, ठीक है, इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बना देते हैं इतने कम टाइम में. सो इसलिए आपको आंसर मार्क करना था ये, और ये NCERT में बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में मेंशन है ये लाइन, क्योंकि कुछ डाटा बेस भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ये याद करके रखना पड़ेगा. अब हम क्वेश्चन नंबर 171 देखेंगे. ये क्वेश्चन ह्यूमन डेंटल फार्मूला जो भी है उससे पूछा गया है. नॉर्मली आपको पता है कि अगर एडल्ट का वो देखोगे तुम डेंटल फार्मूला, इट्स 2123/2123 अपर जो लोअर जो इंटू टू. ओके, अगर चाइल्ड का देखोगे, बच्चों का, ये एडल्ट का है, अगर चाइल्ड का देखोगे दिस इज 2102/2102×2. यहाँ पे जीरो क्या मीन कर रहा है, प्रीमोलर. दैट मीन्स अगर हम देखें 2123 के रेफरेंस में, दिस इज फर्स्ट वन इज व्हाट, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर. सो इन दैट बेसिस अगर देखोगे तो यहाँ पे इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर नहीं है. ओके, तो चाइल्ड में जो प्रीमोलर नहीं होता तो वो याद रखना है आपको, 2102/2102×2, दैट इज टोटल डेथ 20 है. और हमारा डाइफेड्रन पैटर्न है जिसमें से 20 जो होते हैं वो गिरते हैं फिर उठते हैं, और 12 जो होता है वो बाद में एक बार उठते हैं और वो परमानेंटली रह जाता है, अगर गिर गया तो उठेगा नहीं फिर. ओके, यहाँ पे डिफरेंस है ना, यहाँ पे देखो डिफरेंस है 2, यहाँ पे 0 था या 2 आ गया, ये परमानेंट सेट में आ जाएगा. और यहाँ पे 3 है, दैट मीन्स यहाँ पे 2 था, तो बाद में जो विजडम टूथ है जो कि थर्ड मोलर है वो आएगा, एक बार गिरेगा तो उठेगा नहीं, इसलिए डाइफियोडोंट समा परमानेंट एंड समा टेम्पररी. टेम्पररी इन द सेंस वो गिरेगा फिर उठेगा, डेसिडियस स्टेट में आ जाता है. ओके, तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172. ये क्वेश्चन भी आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज से ही पूछा गया है. इसमें हम देखते हैं क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस वुड रिजल्ट्स इन द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉर हेमोग्लोबिन अज्यूमिंग PO2 रिमेन्स कंस्टेंट. अगर हम देखेंगे हमारा PO2 रिमेन कंस्टेंट है, लो पार्शियल प्रेशर नहीं है, सो इस कंडीशन में ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन का सैचुरेशन कब पॉसिबल है. ये एक्चुअली बोर्स इफेक्ट्स के आसपास का ही क्वेश्चन है, मतलब उसी तरह से क्वेश्चन आता है कि अगर ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन सैचुरेट होगा तो क्या कंडीशन चाहिए, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएट होगा तो क्या कंडीशन चाहिए, जस्ट ऑपोजिट. तो अगर हम हमेशा लिख के प्रैक्टिस करें, सपोज ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन को अगर हमें जोड़ना है तो हमें PO2 क्या चाहिए, हाई. हमेशा याद रखना ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिला लोगे तुम. PCO2 हमें क्या चाहिए, लो. ओके, अगर हम देखेंगे टेम्परेचर हमें क्या चाहिए उस पर्टिकुलर टाइम में, अगर इन दोनों को मिलाना है, लो. ठीक है, अगर हमें H+ का देखना है, लेस, और pH हमें क्या चाहिए, हाई. सो ये कुछ कंडीशन है जिससे ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन एसोसिएट होगा, सैचुरेट होगा. तो सैचुरेशन के लिए एक कंडीशन हमें चाहिए, तो इसमें से बेस्ट कंडीशन क्या फिक्स हो रहा है. इसमें देखो इंक्रीज H+ तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि pH लो हो जाएगा. डिक्रीज टेम्परेचर ओके इससे मिल रहा है, लेकिन ये गलत हो गया. इंक्रीज CO2 लेवल्स पॉसिबल नहीं है. इंक्रीज एसिडिटी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे H+ कम है और pH हाई होना पड़ेगा. डिक्रीज CO2 यस होगा, और डिक्रीज एसिडिटी यस होगा क्योंकि pH हाई है. तो दिस इज द बेस्ट कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन सैचुरेट हो सकता है. ये भी आपको मैच नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे लिख के प्रैक्टिस कर लेना चार सेट. ओके, एक तो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन सैचुरेशन के लिए ये चाहिए, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन का डिसोसिएशन ठीक उल्टा, फिर लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन का एसोसिएशन और कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन, जिससे कि जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए ब्रेन में एक फॉर्मेट बना रहे जिससे झटपट तुम पकड़ लो कि कौन सा फीचर इसके लिए करेक्ट है. ओके, ये कर लेना तुम, एक बार प्रैक्टिस करना, 2-3 बार करोगे तो फटाफट आप नीट में जब मेन एग्जाम दोगे जल्दी आंसर कर लोगे. अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 173 क्वेश्चन बायोमोलिकल से है. लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिकल्स, लिपिड साइज डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन. इसलिए मैक्रोमोलिकल नहीं वो स्ट्रिक्टली क्योंकि उसका साइज 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होता है. जो भी ट्रू मैक्रोमोलिकल्स है 10,000 डाल्टन से ऊपर होना पड़ेगा. ओके, तो इसलिए बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 174. इसमें देखो द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट. इसमें आप देखो सैलिवरी ग्लैंड, पेनक्रियास, लीवर, ये सब एसोसिएटेड ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है. लेकिन जो प्रिप्सव लीवर कोन है वो इंटेस्टाइन का इंटीग्रल पार्ट है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में मिलता है एट द बेस ऑफ द विली. ओके, इन बिटवीन मतलब विली है, और इन बिटवीन तो है लेकिन नीचे की तरफ एक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है ना विली के नीचे, जिसमें कुछ सेल्स है, पेनेट सेल्स, अर्जेंटिफिन सेल्स, ये होता है, और विली इसके ऊपर रहेगा.
यहाँ पे विली, फिर ऐसे करके अगर तुम देखोगे डायग्राम को, इधर विली एक क्रिप्स, इधर विली एक क्रिप्स, यहाँ पे ये क्रिप्स एरिया है, दिस आर द एरिया ऑफ क्रिप्स, ओके, एट द बेस ऑफ द विली, ये विली है और ये क्रिप्स है, क्लियर? तो आपको याद रखना है क्रिप्स ऑफ लीवर को इज अ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, देयरफॉर इट इज नॉट एसोसिएटेड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड, वो याद रखना, इसलिए आंसर इसमें सी है, बिकॉज ये इंटेस्टाइन का पार्ट है, ओके? तो पेज नंबर 260 आप देख लेना, डायग्राम सेकंड डायग्राम में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 175 क्वेश्चन आपको पीएम से पूछा गया, पेज नंबर 266 डाइजेशन एब्जॉर्प्शन से। हमेशा इसमें कंफ्यूजन ना हो कि कॉमन फीचर कौन सा है, यूनिक फीचर कौन सा है, आप उसको सेपरेटली एक टेबुलेट फॉर्म में लिखो, कॉमन फीचर यूनिक फीचर, तब क्लियर रहेगा, ओके? सपोज आप देखो क्वाश्चरकर का ये है पॉइंट, दिस इज प्रोटीन डेफिशिएंसी अनअकंपनीड बाय कैलोरी, अकंपनीड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी, मींस प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट तीनों की कमी है, तब मेरास्मस, तीनों की कमी नहीं है, सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी है, दिस इज फॉर क्वाश्चरकर। एक्सटेंसिव एडेमा, एडेमा क्वाश्चरकर से रिलेटेड है। एक्सट्रीम इमासिएशन मतलब एब्रप्ट वेट लॉस, बहुत ज्यादा वेट लॉस, एकदम पतले स्किनी बॉडी, तब इसका होगा मेरास्मस। और वास्टिंग ऑफ मसल क्वाश्चरकर मेरास्मस दोनों का है। वास्टिंग का मतलब होता है मसल्स थोड़े से लूज लूज टाइप के हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन यूज हो जाता है मसल्स का भी, तो इन दैट बेसिस वास्टिंग ऑफ मसल इज अ कॉमन पॉइंट फॉर बोथ। तो ऐसे करके आप जब करोगे तब तुरंत आप क्वेश्चन जब दिखेगा कॉमन और यूनिक फीचर को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 176 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 176 आपको पेज नंबर 159 बायोमॉलिकल चैप्टर से पूछा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 159 आप छोड़ ही नहीं सकते, उसको दो तीन बार पढ़ लेना अच्छे से, ओके? बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो आपके दूसरे बुक में रेफरेंस के हिसाब से मिल सकता है कि प्रोस्थेटिक इनऑर्गेनिक भी है, कहीं हद तक ये करेक्ट भी है, लेकिन एनसीईआरटी में प्रोस्थेटिक को ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसे करेक्ट पकड़ नहीं सकती, इसे ऑर्गेनिक आपको पकड़ना है, ओके? तब ये करेक्ट नहीं है। कोएंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड फाइन विच आर टाइटली बाउंड नहीं है, बिकॉज कोएंजाइम्स वहाँ पे बुक में 159 में देखना लूजली, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइटली बाउंड है एंजाइम से तब वो प्रोस्थेटिक होगा, इफ इट इज लूजली बाउंड और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तब वो कोएंजाइम होगा, ओके? और कोएंजाइम का सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट क्या है, विटामिन है, वो भूलना मत। नेक्स्ट, हेम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इज अ पार्ट ऑफ एलोस्टेरिक साइट ऑफ सम एंजाइम, नो एलोस्टेरिक साइट नहीं, एक्टिव साइट होगा। तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस किया मैंने, यहाँ पे ऑर्गेनिक होना था इसलिए गलत हो गया, यहाँ पे लूजली होना था इसलिए गलत हो गया, एनसीईआरटी बेस्ड इसलिए मैं ऐसे चेंज करा रही हूँ, ये तो चेंज करना ही है, एक्टिव साइट इसलिए गलत हो गया, ओके? एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये करेक्ट है कि एंजाइम स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन शो करता है, सम ऑफ देम शो आइसो एंजाइम शो क्वार्टरनरी कन्फर्मेशन, तो इसलिए नंबर डी ऑप्शन इज टोटली करेक्ट, जो कि 159 पेज से बायोमोलिकल चैप्टर से है, ओके? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 177। ये क्वेश्चन देख के लगेगा कि अच्छा ये तो बाहर से आ गया, नो ये लिंक है एनसीईआरटी से और ये पहले आया भी हुआ है, ओके? इसलिए आपको देखना जरूरी था। पेज नंबर 114 में सेकंड पैराग्राफ में नाइट्रोजनस वेस्ट का एक पोर्शन है, देखना वो पढ़ लेना आप, इसमें उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। नेम द नाइट्रोजनस वेस्ट डिस्चार्ज बाय बॉडी सेल्स ऑफ कॉकरोच इन टू द हेमोलिम विच गेट्स कन्वर्टेड इन टू एन दिस यूरिक एसिड बाई मेल्फेजन ट्यूब्यूल। तो एक नाइट्रोजनस जो है जो वो होता है चेंज होता है वो क्या है, पोटेशियम यूरेट। पोटेशियम यूरेट को ब्लड से लिया जाता है, मेल्फेजन ट्यूबुल उसी को कन्वर्ट करके यूरिक एसिड बना के फिर निकालता है। तो अगर आपको पूछेंगे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ हेमोलिम ऑफ कॉकरोच क्या है, पोटेशियम यूरेट, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ कॉकरोच क्या है, तब यूरिक एसिड, भूलना मत। हेमोलिम पूछा तो पोटेशियम यूरेट, और अगर पूछा कि नॉर्मली एज अ फाइनल प्रोडक्ट तब यूरिक एसिड, ओके? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 177 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 178 भी बहुत स्वीट सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन आपको पूछा है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से, जो कि पेज नंबर 103 में है, लास्ट में लिखा भी हुआ है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू अगर है तो पैरेलल बंडल्स होगा फाइबर्स का, डेंस इरेगुलर अगर है तब स्कैटर्ड होगा, और दोनों में कॉमन फाइबर्स क्या है, कोलाजन है, और दोनों का कॉमन सेल क्या है, डेंस इरेगुलर का और रेगुलर का फाइब्रोब्लास्ट है। तो इसमें आंसर क्या है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन स्किन, तो ये मार्क करना था आपको, ओके? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन 179 आपको एनिमल किंगडम से पूछा गया है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल मैमल्स आर विवीपेरस। आपको भी पता है ऑल मैमल्स आर नॉट विवीपेरस, बिकॉज जो ओविपेरस मैमल्स है कौन सा है, ऑर्निथोरिंकस, तो इसलिए गलत हो गया, यूनिक फीचर पूछा है ना। ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पॉजेस जॉज एंड पेयर्ड फिन्स, ये करेक्ट है, जो कि पेज नंबर 56 में मेंशन है। इसमें एक कन्फ्यूजन आता है, डिवॉइड ऑफ जॉज एंड पेयर्ड फिन्स,
इसमें बोला जा रहा है डिवाइड जो वर्ड है एब्सेंट, एक साथ मिला के बोल रहे हैं, जॉज भी नहीं है इसमें और पेयर्ड फिन्स फिन्स भी नहीं है इसमें. ओके तुम कंफ्यूज मत होना, तुम पेट्रोमाइजन जो है डायग्राम देखो, पेट्रोमाइजन का देखना ऊपर की तरफ फिन है नीचे की तरफ नहीं है, फिश में देखना ऊपर भी फिन है नीचे भी फिन है, इसलिए यहाँ पे ये करेक्ट है. अनपेयर्ड फिन्स होता है साइक्लोस्टोमेटा में. क्या फिन्स है? अनपेयर्ड फिन्स, डिवाइड ऑफ पेयर्ड फिन्स, एब्सेंट है उसमें फिन्स, पेयर्ड. ओके ऑल रेप्टाइल्स हैव अ थ्री चैम्बर्ड हार्ट. नो, इसमें एक्सेप्शन आ जा रहा है क्रोकोडाइल का, इसमें एक्सेप्शन आ जा रहा है प्लेटिपस का, तो इसलिए गलत हो गया. ऑल पाइसेस गिल्स एंड कवर्ड बाय एन ऑपोकुलम. नो, दिस इज अ फीचर ऑफ बोनी फिश, कार्टिलेजिनस फिश में ऐसा नहीं होता, उसमें ऑपोकुलम नहीं है. ओके सो इसलिए इसमें आंसर आपको मार्क करना था बी. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 180. क्वेश्चन नंबर 180 में रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल्स टू द रिदम सेंटर दैट इज मेड्यूला. तो इसमें एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा है, तुम्हें पता है कि एओर्टिक आर्चेस जो होता है वो पेज नंबर 283 में जाओ, उसमें रेड कलर का एओर्टा जो है वो एओर्टिक आर्चेस, इसमें जिसमें तीन ब्रांच निकला है, और इस यहाँ से तुम गूगल इमेज भी देख सकते हो, यहाँ से कैरोटिड आर्टरी जाता है. कैरोटिड आर्टरी के अंदर और एओर्टिक आर्चेस के अंदर आर्टरियल ब्लड होता है, जब उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 चेंज हो जाता है देन हमारा जो ब्रेन है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा उसे वो सेंस कर लेता है, क्योंकि एओर्टिक आर्चेस के अंदर एंड एज वेल एज योर जो कि वो है क्या बोलते हैं एओर्टिक आर्चेस के साथ साथ आपका कैरोटिड आर्टरी है, दोनों ही सेंस कर लेते हैं चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ CO2, क्योंकि मैंने कहा था कैपिलरी में थोड़ा सा मिक्स होता है CO2 एंड ऑक्सीजन, सो लिटिल बिट अमाउंट ऑफ CO2 मूव्स टूवर्ड्स द आर्टरी एंड लिटिल बिट ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मूव्स टूवर्ड्स द वेन्स, उसी का पार्शियल प्रेशर वो शो करता है. तो मान लो कि CO2 का पार्शियल प्रेशर आर्टरियल ब्लड में कितना है, 40 है, उससे अगर थोड़ा सा भी राइज हो गया, इज अराउंड 41-42 कुछ भी, तो आर्टरियल ब्लड से वो प्रेशर को फील करके जब मेड्यूला को पता चलता है तो वो तुरंत क्या करेगा, एक्सहेलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेगा और इनहेलेशन को थोड़ा सा ड्यूरेशन को रिड्यूस करेगा, अल्टर करेगा रेस्पिरेटरी रेट. ओके तो वो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है. तो इन्होंने क्या पूछा, नेम द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इनसाइड द आर्टरीज. आर्टरीज के अंदर केमोरिसेप्टर्स है बिकॉज दे चेंज द सेंस द चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन आयन. बैरोसेप्टर्स भी बोल सकते हो, कैमोरिसेप्टर्स बोल सकते हो. तो आपके NCERT बुक में कैमोरिसेप्टर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है. अगर बाई चांस कभी नीट में बैरोसेप्टर्स भी आ गया वो भी करेक्ट होगा, क्योंकि प्रेशर रिसेप्टर है आर्टरी के अंदर, कैरोटिड आर्टरी के अंदर और एओर्टिक आर्चेस के अंदर. कैमोरिसेप्टर्स तो केमिकल सेंस आप समझ गए, केमिकल चेंजिंग वो समझ सेंस कर लेता है, लेकिन जो तुम्हारा बैरोसेप्टर वो कैसे, क्योंकि CO2 जो है वो वैसो कंस्ट्रिक्टर है, ब्लड प्रेशर राइज कराता है, तो ऑटोमेटिकली CO2 का कंसंट्रेशन आर्टरियल ब्लड में इंक्रीज होने से वहाँ पे प्रेशर का फर्क पड़ता है, उसी प्रेशर के फर्क को वो भाप लेता है, सेंस कर लेता है, कौन, रिदम सेंटर दैट इज मेड्यूला, और उसके हिसाब से वो अल्टर कर देता है रेस्पिरेटरी रेट. ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा एनालिटिकल थिंकिंग भी है, तो ध्यान रखना 275 से है. ओके नेक्स्ट अभी हम देखेंगे, इसमें नेम बोलने बोला था इसलिए केमोरिसेप्टर मेड्यूला आपको मार्क करना था. ओके इसमें पोन्स नहीं होगा, पोन्स गलत आ जा रहा है, इसमें केमोसेंसिटिव एरिया गलत आ रहा है, बेटर है कि मेड्यूला मेंशन है और केमोरिसेप्टर इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 181. क्वेश्चन नंबर 181 बायोमोलिकल से है, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स है उस चैप्टर से. चिटीन स्टार्च ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज आर होमोपोलीसेक्राइड्स, करेक्ट, बिकॉज चिटीन का जो यूनिट है नाग है दैट इज एनएसिटाइल ग्लूकोसामाइन, दिस इज डिराइवेटिव फॉर मोनोसेक्राइड. स्टार्च का है अल्फा ग्लूकोज कॉमन यूनिट एंड ग्लाइकोजन का भी अल्फा ग्लूकोज है एंड सेलुलोज का है बीटा ग्लूकोज, तो इसमें ये करेक्ट है. ओके ग्लाइकोजन में लेफ्ट हैंड इज रिड्यूसिंग, नो लेफ्ट हैंड नहीं है, इसमें राइट हैंड होना था जो कि पेज नंबर 148 में मेंशन है, राइट हैंड होने से करेक्ट होता स्टेटमेंट. स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, इन फैक्ट स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स इन द हेलिकल पोर्शन, द स्टार्च आयोडीन इज ब्लू इन कलर, क्योंकि स्टार्च में हेलिकल नेचर है और सेकेंडरी हेलिकल नेचर आयोडीन को होल्ड करके आयोडीन एक इंडिकेटर के तरह यूज करके हम पता कर सकते हैं कि किस फूड में स्टार्च प्रेजेंट है, लेकिन सेलुलोज आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करता, ग्लाइकोजन करता है सेलुलोज नहीं करता. ओके तो इसलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट देखो करेक्ट है, 3B 4B, सेलुलोज डज नॉट कंटेन एनी कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड हैंस कैनॉट होल्ड आयोडीन, देयरफॉर इसमें कितने ऑप्शंस या कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 3, क्योंकि यहाँ पे एक गलत आ गया. ओके तो 148 से लिंक है इसका बायोमोलिकल से. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 182. ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है 182, जो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 54 में एकानोडर्मेटा का है. व्हाट इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एकानोडर्मेटा, व्हाट अ वास्कुलर सिस्टम, वही मार्क करना है, क्योंकि डिस्टिंक्टिव फीचर यही यूनिक, सबसे बेस्ट यूनिक फीचर एकानोडर्मेटा का व्हाट अ वास्कुलर सिस्टम है, यही मार्क करना था आपको. नीडोब्लास्ट किसका है, नीडोब्लास्ट ऑन आर्म्स तो होगा ही नहीं, दिस इज अ फीचर ऑफ व्हाट, सिलेंटरेटा, और आर्म्स में तो होता नहीं, टेंटिकल्स में होगा, है ना,
तो ये गलत हो गया। वेंट्रली प्लेस माउथ एकानोडोमेटा में, रेडियल सिमेट्री एडल्ट्स में एकानोडोमेटा में है, लेकिन जो वाटरवास्कुलर सिस्टम है वही डिस्टिंक्टिव फीचर है एंड इट्स मेंशनड इन पेज नंबर 54। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 183 एनिमल किंगडम से है। इसमें आपको पूछा गया है फाइलम कॉर्डेटा का कौन सा 3 सब फाइला है। इसमें आंसर तो यही होगा, आपको ये पता है कि कॉर्डेटा एक फाइलम है, इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, वन इज प्रोटोकॉर्डेटा एंड अदर वन इज यूकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा डिवाइडेड इनटू 2 सब फाइलम, दैट इज यूनिक ट्यूनिकेटा और यूरोकॉर्डेटा, या तो उसको बोलते हैं, और एक है सेफालोकॉर्डेटा जिसमें एम्फियोक्सस आता है। ओके, और इधर रह गया आपका एक यूकॉर्डेटा, उसका सब फाइलम क्या है, वर्टिब्रेटा। तो इसमें आपको यही मार्क करना था, ट्यूनिकेटा, वर्टिब्रेटा, सेफालोकॉर्डेटा, ये तो गलत होगा, इनवर्टिब्रेटा है इसमें, चलो ये करेक्ट था, ये दोनों। साइक्लोस्टोमेटा नहीं होगा, ये वर्टिब्रेटा का क्लास है। ब्रेंकियोस्टोमा इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, इज एम्फियोक्सस का दूसरा नाम है, वर्टिब्रेटा ठीक था। यहाँ पे यूरोकॉर्डेटा ठीक था, ये ठीक था, लेकिन एम्फियोक्सस नहीं होगा, सो इसलिए इसमें बेस्ट आंसर आ गया बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 184। क्वेश्चन नंबर 184 भी एनिमल किंगडम से है। ऑल लिविंग मेंबर्स आर एक्टोपेरासाइट्स ऑन सम फिशेस, विच क्लास ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा आर एक्टोपेरासाइट्स ऑन सम फिशेस? साइक्लोस्टोमेटा, क्योंकि साइक्लोस्टोमेटा में नॉर्मली अगर तुम ज्यादा पढ़े हुए हो कहीं से कन्फ्यूजन हो सकता है कि पेट्रोमाइसिन एक्टोपेरासाइट है, मिक्सिन जनरली नहीं होते, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है ऑल, ऑल आर एक्टोपेरासाइट, ऑल आर मेराइन, ऑल शो माइग्रेशन, इन दैट बेसिस अगर तुम जनरल फीचर में जाओगे तो तुम्हें ऑल पकड़ के चलना होगा। ओके, लेकिन एक्चुअली में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पेट्रोमाइजन में है, उसमें मिक्सिन में नहीं है, लेकिन हमें याद रखना है इन जनरल फीचर में ऑल ऑल ऑल, तो इसलिए इसमें आंसर होगा साइक्लोस्टोमेटा, जो कि वर्टिब्रेटा सब फाइलम का फर्स्ट क्लास है, साइक्लोस्टोमेटा के बाद पाइसिस आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 185। क्वेश्चन नंबर 185 एनिमल किंगडम पेज नंबर 52 से है। इसमें तुम देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एस्केलमेंथस? एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड फेरिंग्स, करेक्ट। मेसोडर्म इज प्रेजेंट स्कैटर्ड पाउचेस, ये एक्चुअली पूछा है आपको तुम्हें सीडोसिलोम से, क्योंकि जब मिडिल लेयर में है उसमें मेसोडर्मल पाउचेस होता है एंड दिस इज अ फीचर ऑफ सीडोसिलोमेट्स, जो कि सिर्फ फाइलम एस्केलमेंथस है। नंबर सी, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये करेक्ट है, बट दे आर नॉट मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनेलिडा में है, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा में है, एस्केलमेंथस का फीचर नहीं है, इसलिए ये जो पॉइंट है मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड सिलोमेट एनिमल्स, ये यहाँ पे गलत आ रहा है, और उन्होंने आपको क्या मार्क करने बोला, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर, देयरफॉर द बेस्ट आंसर इज सी। ओके, नंबर डी देखो, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इनटू वन प्लेन, देयर इज अ डेफिनेशन फॉर बायलेटरल सिमेट्री, और बायलेटरल सिमेट्री प्लेटेलमेंथस से ही स्टार्ट हो गया है। ओके, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 185 आपका क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अब सेक्शन बी से स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 186। इसमें देखो, द बॉडी बियर्स डैश एक्शनल रोज एंड सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स एंड ल्यूरोब्रेशिया, पेज नंबर 51 में है, 8 एक्सटर्नल रोज, ठीक है, 8 एक्सटर्नल बोलना मत, ये आएगा तो फंसा दोगे, फिर ध्यान रखना कि एक्सटर्नल है, 8 मार्क करना था। ओके, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 187। क्वेश्चन नंबर 187 डाइजेशन से है। इसमें आप देखो, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम एसोफेगस टू रेक्टम पॉसेसेस 4 लेयर्स, मार्क द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम इनर टू आउटर कवर ऑफ द लेयर। इसमें थोड़ा सा उल्टा पूछा गया है, आउटर टू इनर नहीं, इनर टू आउटर है। अगर आउटर टू इनर होता तो आउटर सेरोसा, फिर मस्कुलस एक्सटर्ना, फिर सबम्यूकोसा, फिर म्यूकोसा। उल्टा बोलना है आपका, इनर टू आउटर म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलस एक्सटर्ना, सेरोसा। तो इसमें देखो, मार्क क्या करना था, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलस एक्सटर्ना, सेरोसा। ओके, और आउटर टू इनर क्या होता है, सेरोसा, मस्कुलस एक्सटर्ना, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। ओके, तो इसलिए इनर टू आउटर, ये इनर है, ये आउटर है, और उल्टा भी आ सकता है कि आउटर टू इनर। पेज नंबर 260 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना कि आउटर टू इनर पूछा है ना, इनर टू आउटर पूछा है। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 188। क्वेश्चन नंबर 188 भी आपको डाइजेशन के टेबल 16.1 पेज नंबर 265 से पूछा गया है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, कहा था ये ध्यान रखना, इनिशियल एब्जॉर्प्शन साइट फॉर द वाटर सिंपल शुगर एंड अल्कोहल इज स्टोमक। स्टोमक से ही इनिशियल साइट फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन, देन यही से शुगर एब्जॉर्प्शन होता है, और अल्कोहल भी यही से होता है, स्टोमक से। ओके, ये ध्यान रखना। फिर हम देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 189। क्वेश्चन नंबर 189 ये पूछा है डाइजेशन से, सकस एंट्रिकस इज अ नेम गिवन टू, व्हाट इज सकस एंट्रिकस? दिस इज इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस किससे बना हुआ है, उस एरिया में जितने भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है वो, और साथ ही साथ जो गुबलर सेल्स है उनके मिक्सचर से हमारा सकस एंट्रिकस इंटेस्टाइनल जूस बनता है। तो इसमें बेस्ट आंसर था, इंटेस्टाइनल जूस मेड अप ऑफ सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स, दैट इज अ विली एंड गुबलर सेल्स। ओके, वही से हमारे एंजाइम्स और गुबलर सेल्स से म्यूकस सिक्रीशन होता है, वही हमारा इंटेस्टाइनल जूस है,
सक्कस एंटेरिकस, बाकी यहाँ पे कोई भी पॉइंट करेक्ट नहीं है. अ जंक्शन बिटवीन इलियम एंड ब्लाइंड सैक सिकम इज इलियोसिकल बल्ब, स्वेलिंग इन द गट विद अ गुड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया सिकम, यहाँ पे सिकम होगा आंसर. अपेंडिक्स इज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ये करेक्ट है क्योंकि अपेंडिक्स हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है जो ह्यूमन थलसन डिजीज में मेंशन है, जिससे यहाँ पे कोई ऐसा रेफरेंस नहीं आ रहा है. इसमें आंसर आपको बी ही मार्क करना था, ओके, जो 262 के लास्ट पैराग्राफ में आपको मिल जाता. नेक्स्ट अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 190. क्वेश्चन नंबर 190 में भी ऐसे कुछ लिखने लायक नहीं है, बस याद रखना 273 में सॉल्युबिलिटी रेट के ऊपर लिखा है अबाउट CO2 एंड ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी रेट 20-25% ज्यादा है इन कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ओके, जो कि हेनरीज लॉ में आता है. तो आप याद रखना 20-25 ये मार्क करना था, और इसीलिए बहुत इजीली ये क्रॉस करता है मेम्ब्रेन्स, और प्लाज्मा में 7% डिजॉल्व रहता है, 3% ऑक्सीजन का है. इन दैट बेसिस कुछ पॉइंट्स है जो आपको डाटा है याद रखना पड़ेगा, ओके. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 191. इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके डेफिनेशन से. जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं, नॉर्मल सांस को इसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ओके. जोर से सांस लिया IRV, जोर से सांस छोड़ा ERV. जोर से सांस छोड़ने के बाद भी, मैं एक बार रिपीट करके याद करा देती हूँ, जोर से सांस छोड़ने के बाद भी आपका हवा लंग्स में रह गया, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम. The amount of air remain inside the lungs after forceful exhalation is residual volume. The amount of air remain inside the lungs after normal exhalation is FRC, that is functional residual capacity. आपने normally सांस लिया, फिर normally सांस छोड़ा, पहले सांस लिया फिर सांस छोड़ा, तब उसको हम लोग बोलेंगे EC, expiratory capacity. पहले हमने सांस छोड़ा फिर हमने सांस लिया, this is inspiratory capacity. ऐसे याद रखना पड़ेगा, okay? हमने जोर से सांस छोड़ा और फिर हमने जोर से सांस लिया, पहले जोर से सांस छोड़ो फिर जोर से सांस लो, तब आएगा तुम्हारा वाइटल कैपेसिटी. इसमें क्या बोला, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन इज टर्म्ड एज. तुमने जोर से सांस लिया, सभी करते चलो लिया, फिर तुमने देखा कि लंग्स में कितना हवा जमा हुआ, दिस इज योर टोटल लंग कैपेसिटी, ओके. जोर से सांस छोड़ के फिर सांस लेना, तब वाइटल कैपेसिटी. पहले फोर्स एक्सहेलेशन देन फोर्स इनहेलेशन, वाइटल कैपेसिटी, ओके. अगर तुमने जोर से सांस लिया और तुरंत तुमने देखा लंग्स में कितना कैपेसिटी है होल्ड करने का, ये देन इट इज टोटल लंग कैपेसिटी. भूलना मत, बहुत सिंपल था लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन में कन्फ्यूजन होता है बिकॉज आप लोग बहुत हड़बड़ी में पढ़ते हो. प्लीज ऐसे सांस छोड़ के और सांस लेके एक बार देख लेना, नीट के एग्जाम हॉल में मत करना, डर जाएंगे फिर सब. मैंने क्लास में भी बोला था उनको. फिर नेक्स्ट अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 192. हाँ, 192 भी सिंपल सा क्यूट सा क्वेश्चन है. एल्वियोलर एपिथेलियम इन द लंग इज नॉन सीलिएटेड स्क्वामश, कि स्क्वामश कभी सीलिएटेड होता नहीं है, वो फ्लैट सेल्स है, इजिली अलाउ ऑल द गैसेस टू पास आउट, ओके. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 193. थोरेसिक चैम्बर इज एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर हुज कैविटी गेट्स एनलार्ज्ड ड्यू टू इनहेलेशन बाय द कंट्रैक्शन ऑफ इनिशिएट. इसमें बोला गया है डायफ्राम फ्रेनिक मसल मार्क करना है. तुम ये क्यों नहीं मार्क करोगे, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तब हमारा डायफ्राम एंटीरियर पोस्टर एक्सेस पे फर्क पड़ता है, और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो डॉर्सो वेंट्रल एक्सेस में फर्क पड़ता है. इससे हमारा थोरेसिक वॉल्यूम पहले चेंज होगा, उससे वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा पल्मोनरी वॉल्यूम में, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, हवा अंदर आएगा, बिकॉज ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है बाहर 159 है और एल्वियोली में 104 है, ओके. तब ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएगा. जब तुम्हारा सिस्टम फिर से मेड्यूला से सिग्नल आएगा, पूरा सिस्टम रेस्ट में चला गया, डायफ्राम रिलैक्स डोम शेप, फिर तुम्हारा जो भी इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी रिलैक्स्ड, देन ऑटोमेटिकली तुम्हारा लंग्स क्या होगा, सेटल डाउन हो गया, एवरीथिंग जैसा था वैसे हो गया, पैसिवली तुम्हारा हवा बाहर निकल जाएगा, ओके. ये ध्यान रखना. और स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स पूछने से आप डायफ्राम मार्क मत करना, आप इंटरनल कोस्टल मसल एंड एक्सटर्नल कोस्टल मसल मार्क करना जो ब्रीदिंग में हम यूज़ करते हैं, ओके. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 194 में आपको पता है कि टंग का जो फ्रेन्युलम होता है, मस्कुलर अटैचमेंट, द टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय फ्रेन्युलम. आप एक डायग्राम देख लेना गूगल इमेज, बहुत अच्छे से समझ जाओगे इस चीज को. फ्रेन्युलम जो होता है, हमारा जो बकल कैविटी का अटैचमेंट होता है टंग के साथ, उस एरिया को हम फ्रेन्युलम बोलते हैं. पेपिला आपको पता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द सर्फेस ऑफ टंग, जिससे सर्फेस एरिया होता है फॉर सलाइवरी एक्शन. उवुला होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना कि तुम्हारे उसमें नहीं है. तुम अगर आ करके देखोगे माउथ को वाइड ओपन करके, पीछे एक छोटा सा टंग लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज उवुला. गलट का मतलब होता है ओपनिंग ऑफ एसोफेगस, ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 195. ये आपको पूछा है डाइजेशन से ही, उसमें देखना कैलोरीफिक वैल्यू, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू के बेसिस पे है, जिसमें अगर GCV देखोगे,
इसमें अगर कार्बोहाइड्रेट का देखोगे कितना है 4.1, और पीसीवी अगर देखोगे फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू 4 है कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन का अगर देखोगे ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू इज 5.65 पर ग्राम में मिलता है वो, और इसका 4 हो जाता है पीसीवी। और फैट का अगर देखोगे 9.45 था, जो बाद में जाके पीसीवी 9 होता है। तो व्हाट इज दिस, जब भी हम कोई 1 ग्राम ऑफ फूड खाते हैं उससे हमें इतना एनर्जी मिलना चाहिए, लेकिन मिल रहा है थोड़ा सा कम, बिकॉज हम डाइजेशन करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे, एसिमिलेट करेंगे, इन दैट बेसिस बोन्स लॉस होता है, सम पोर्शंस आर निकल भी जाते हैं, इन दैट बेसिस उसका फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू है थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। तो इस बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेशन करना है कि आपको बताया गया पेशेंट के डाइट में है ही एट अराउंड 90 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो 90 into कितना करना था 4, क्योंकि देर आस्किंग ऑफ कितना एनर्जी से मिलेगा इतना खाने से, तो 4 10 लिखा है प्रोटीन का 10 into 4, और फैट का है 10 into 9। अगर तुम ऐसे करोगे प्लस कर दोगे इनटू करके समझे, तो 19 into 4 10 into 4 पीसीवी कैलकुलेट करना, इस पार्ट को लेना है, और इधर आ गया फैट का भी 10 into 9, तब जाके आंसर 490 निकलेगा। ओके, सिंपल कैलकुलेशन, बिकॉज उन्होंने पेशेंट को दिया दिस मच ऑफ फूड इज गिविंग दिस मच ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। अगर वो बोलते कि कितना जीसीवी है इसमें, फूड कंटेंट या एनर्जी कंटेंट कितना है इस फूड का, तब आंसर तुम्हें जीसीवी से निकालना था, इस वैल्यू को पुट करना था। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी कैलोरीज डज दिस पेशेंट कंज्यूम इन वन डे, तो कितना उसे एनर्जी मिला ये खाने के बाद, इसलिए दे आर एक्चुअली इंडिकेटिंग टुवर्ड्स दिस फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 196। 196 इज वेरी सिंपल, बट पुराने बुक में मैंने एक चीज नोटिस किया है, बायोमोलिकल के जो समरी पार्ट पोर्शन में है अमाइनो से 21 मेंशन है, गलत नहीं है वो, लेकिन अगर नए एडिशन में एनसीईआरटी में 20 है, और नॉर्मली हमें 20 ही पता है, तो इसलिए आप 20 टाइप्स ऑफ मोनोमर से करना, क्योंकि 2020 में भी 20 ही आया था, ध्यान रखना वो। अ होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड मोनोमर रिपीटेड एन नंबर ऑफ टाइम्स, हेट्रोपॉलीमर इज मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर, प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ 20 टाइप्स ऑफ मोनोमर, क्योंकि दे आर आस्किंग अबाउट कितने टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है उसके बेसिस पे। ओके, तो प्रोटीन्स आर ऑलवेज हेट्रोपॉलीमर, होमोपॉलीमर तो होता नहीं है प्रोटीन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 197, ये भी सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमरिक, या आप समरी में जाना, बायोमोलिकल में पढ़ना, लिपिड स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिकल नहीं है क्योंकि उसका साइज 800 डाल्टन से कम है, क्यों वो एसिड इनसॉल्युबल पुल में आता है, क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन का इंटीग्रल पार्ट है, और क्यों ये ट्रू मैक्रोमोलिकल नहीं है, क्योंकि उसका साइज 10,000 डाल्टन से ज़्यादा नहीं है, पॉलीमरिक नहीं है, और उसका जो साइज रेंज करता है इट्स अप टू 800 डाल्टन, इसलिए यहाँ पे अगर पूछा नॉट पॉलीमरिक द बेस्ट आंसर इज लिपिड। ओके, ये ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 198। क्वेश्चन नंबर 198 भी सिंपल है, आपको कॉकरोच से ही पूछा गया है इसमें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर कॉकरोच, पेज नंबर 113 आप रिफर कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। प्रो वेंट्रिकुलस का मतलब होता है गिजर्ड, और दिस इज अ टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड, नो, गिजर्ड का रोल होता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ओके, और आपको एक चीज याद रखना है, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड करता है क्रॉप, क्रॉप इज अ कॉमन फीचर ऑफ बर्ड एज वेल एज कॉकरोच, तो इसमें ये गलत है, बिकॉज दैट मेंशन टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड, यहाँ पे क्रॉप होता तो एक करेक्ट होता। नेक्स्ट ओमेटिडिया, ओमेटिडिया वन कंपाउंड आई इक्वल्स टू 2000 ओमेटिडिया, तो इन दैट बेसिस ओमेटिडिया विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज मोइजिक विजन इन कॉकरोच। नेक्स्ट है स्पाइरिकल्स, रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉकरोच में कितने टोटल स्पाइरिकल्स है, 10 पेयर्स है, 2 पेयर्स थॉरिक्स में है, 8 पेयर्स एब्डोमेन में है, कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मेटाथोरिक्स विंग्स, है फ्लाइट के लिए यूज होता है, क्योंकि मेसोथोरिक्स विंग्स उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 199 क्वेश्चन आपको कॉकरोच से पूछा है, इसमें आप देखो व्हाट इज रिगार्डिंग द मॉर्फोलॉजी ऑफ पेरिप्लैनेट अमेरिकाना, दिस कॉकरोच ये 10 नहीं होगा इसमें, बिकॉज 112 के सेकंड लाइन में देखना सिक्स सेगमेंट्स होता है, फ्यूज होके बनता है। हाइपोफेरिंग्स एक्ट इज टंग, करेक्ट। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइजेस फ्रॉम प्रोथोरेक्स, तो इसमें तुम्हारा क्या गलत है, इसमें पूछा व्हाट इज ट्रू, तो ये ट्रू है, ये गलत क्यों है, क्योंकि प्रोथोरेक्स से नहीं निकलता, मेसोथोरेक्स से होगा, दिस वन इज इनकरेक्ट। एनल सर्सिया नॉट सीन इन फीमेल, एनल सर्सिया में मेल में भी है और फीमेल में भी है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे ये कुछ गलत था, यही करेक्ट था, इसलिए आपको बी मार्क करना था। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट कॉकरोच के अगेंस्ट में। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 200। सब्सटेंसेस हैविंग आइडेंटिफायबल फंक्शन एंड विच प्ले नोन रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ अ सेल आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, क्योंकि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हर एक टाइप्स ऑफ सेल सिक्रीट करते हैं, इंक्लूडिंग एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स, एवरी बॉडी, लेकिन जो माइक्रोब्स और प्लांट्स है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सिक्रीट करता है, जो कि एनिमल्स नहीं करते हैं। ओके, तो इसमें आपको मार्क करना था प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, वाटर, सब आ जाएगा इसमें। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में ड्रग्स, पिगमेंट्स,
एंजाइम्स, टॉक्सिन्स, पॉलीमरिक सब्सटेंस, ये सब आता है। और वो उस पेज में जो 146 में जो टेबल है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, वह प्लीज अच्छे से एक बार याद कर लेना, ओके। और एनसीईआरटी रीडिंग करना, नो एंग्जाइटी प्लीज, जितना भी मार्क्स मिले आप डरो मत, बस क्वेश्चंस अच्छे से करो कि जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो क्वेश्चंस वो याद रहे। और नीट में देखना, एकदम कॉमन क्वेश्चंस आएंगे, सब कर लोगे अच्छे से, आई एम 100% श्योर, ओके। थैंक यू वेरी मच।